अस्सलाम वालेकुम जनाब, ताड़ा देसी शरी भाई दफ्तर वापस आया। मैं क्या चलो ऊपर चाहिए ते जाके मैं कबूतर देखे, माशाल्लाह फिट फाट ते नेरा बड़ा सीगा। ते आज मोबाइल भी मेरे को दूसरा ते जेच वीडियो नहीं बन सकी ते नीचे आया, फिर मोबाइल चेंज किया ते जनाब इस टाइम मैं कमरे च खड़ा ते कुकड़ माशाल्लाह फिट फाट है। मुर्गी साड़ी जी कुड़क ते बैठी हुई है, अज चौथा दिन हो गया कुड़क ते बैठी हुई हूँ। ते जनाब दूसरा जड़ा खुडा वा अपना वो देखने हैं, तो काली चूजी अलग ही वो लत लुत्त जी ठीक हो गई है, कुछ है हूँ ठीक तुरती फिर दी है। तो इधर मोर जड़े आ वो भी फिट फाट जा रहे जबरदस्त। तो आप इस तरह करते हैं कि पहलों तो आ चूजे देखिए फिर वो देखिए, क्योंकि बाहर मैं अपने एस्ट्रोलू भी देख आया वहाँ, खरगोश भी बंद करते हैं, माशाल्लाह सारे जानवर ठीक है, ऊपर सील कुकड़ भी ठीक है, कबूतर भी ठीक है। तो पहलो आ चूजे देखिए फिर वो देखिए। आज खामोशी से जाएंगे और बड़े प्यार से खोलेंगे, क्योंकि मुर्गी बहुत सारे चूजे नीचे लेके बैठी हुई हो ये खड़ी हो गई। लो भाई मुर्गी जो है माशाल्लाह ज़बरदस्त, चूजे भी ज़बरदस्त है। ठीक है गौर करें, मुर्गी डर के खड़ी हो गई है और अब जो है पंख निकलना शुरू हो गए हैं। ठीक है और बाकायदा जो है ना, मैं एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, मुझे किसी ने शेयर की है मुझसे, अगर वो कन्फर्म। तो जनाब माशाल्लाह हमारी मुर्गी जो है ज़बरदस्त है, अंदर चूजे भी ज़बरदस्त है, ठीक ठाक है, फिट फाट है। मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर करना चाह रहा था कि मेरे साथ है ना किसी ने चीज़ डिस्कस की है कि ये जो चूजे होते हैं ना, ये पता है कैसे पता चलता है कि ये जो है वो बड़ा होकर मुर्गा बनेगा या मुर्गी बनेगा। तो जो चूजे जिनके जो है पंख जो है जल्दी, यानी कि जल्दी जो परों वाले पंख है वो आ जाते हैं और बैक साइड पे दूम वाली साइड पे जो है वो कुछ पंख निकल आता है, तो वो चूज़ा होता है। ठीक है कि वो जो है चूज़ा है। और जिनके लेट आते हैं ना, यानी कि उनके पंख जो हैं वो निकलते ही नहीं है, ये निकलते हैं तो लेट निकलते हैं, और जो है उनके वो सॉफ्ट पंख ज़्यादा टाइम तक जो है रहते हैं ना, वो मुर्गी होती है। तो ये निशानी मुझे किसी ने बताई है, अब पता नहीं वो कन्फर्म है या नहीं है, मुझे नहीं पता इस बारे में सच्ची। तो खैर लेकिन किसी ने बताया है तो मैं वही चीज़ तलाश करके ना कुछ हाईलाइट कर। ये देखें आप, इसमें से है ना कुछ ऐसे जो है चूजे हैं जिनके जो है वो पंख जो है ना और पूंछ आ गई है, दुम आ गई है। ठीक है भी एक साइज के, तो ये जो है ना मुर्गे हैं। ठीक है जैसे कि ये लास्ट पे ये वाला चूज़ा, ठीक है ये ब्लैक वाला चूज़ा है, इसकी दुम भी आ गई है। ठीक है इसी के साथ वो वाइट वाली है, ठीक है भी उसी साइज़ की है, उसी एज की है, तो लेकिन अभी जो है उसके पंख जो है सॉफ्ट आ रहे हैं लेकिन दुम नहीं आई, तो ये चूजी है। ये गौर से देखना पड़ेगा, मुझे भी नहीं पता चलता, लेकिन शायद टेवा ही है, अगर लग जाए तो तुका शुका। कि जिनकी भाई पूछें आ गई है ना, पूछ मैं जूम आउट कर लूँ, ये देखिए गौर से, जिनकी पूछें आ गई हैं, दुम आ गई है, ये देखो ये चूजी है, ये वाली जो सामने खड़ी मेरे दाना खा रही है ये वाली, क्योंकि अभी इसके दुम नहीं आई तो ये चूजी है। और जिनके पंख जो है थोड़े से हार्ड किस्म के होंगे, दुम आना शुरू हो गई है, ठीक है जल्दी, तो वो मुर्गे हैं। तो भाई यही निशानी बताई है, मुझे नहीं पता ये सच्ची है कि झूठी है, मुझे नहीं पता। तो जनाब यही निशानी मुझे बताई थी इसी ने कि भाई जो चूजे हैं उनकी पहचान कैसे करनी कि ये मुर्गा है मुर्गी है, तो मैंने हाईलाइट कर दिया, लेकिन मुझे भी नहीं पता सच है या झूठ है भाई, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं दूसरे चूजे देखता हूँ अपने इधर इधर। माशाल्लाह जो है आज मिल बांट कर जो है जनाब बैठे हुए हैं सारे इकट्ठे हो गए एक ही कोने में लग के, और बैंडे माशाल्लाह बड़े प्यारे होना शुरू हो गए हैं, ठीक है पंख निकलना शुरू हो गए हैं। और इधर भी जो है वही सीन है जो मैं चीज़ आइडेंटिफाई करना चाह रहा था ना दूसरी चीज़ में, ये देखो ये चूजे है ना, इसकी दुम आ गई हुई है, ठीक है, और ये साथ में छोटा चूज़ है इसकी भी निकल आई है, ये जो हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है, और जैसे वो बल्ब के नीचे है उसकी भी दुम निकल आई है, लेकिन इसमें से कुछ ऐसे हैं जिनकी अभी दुमें नहीं निकली और पंख जो है थोड़े से सॉफ्ट हैं, तो वो मुर्गियाँ हैं, और जिनकी दुम और पंख जो है हार्ड वाले आ गए हैं वो मुर्गे हैं। तो जनाब ऐसे पता चलता है कि चूज़ा है कि चूजी है, लेकिन भाई सीधी सी बात है, मुझे किसी ने बताया था, मैंने आपके साथ शेयर किया है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, सीधी सी बात है, मुझे नहीं पता, मुझे नई एक्सपीरियंस सीख रहा हूँ,
तो भाई गलती हो जाए तो अच्छी चीज़ अच्छी सलाह दीजिएगा, गलत मलत और कुछ इस तरह के कमेंट्स मत कीजिएगा, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो आप जो है वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप जो है बार बार मेरे नोटिफिकेशन अगर मिलने हैं आपको तो उसके लिए बेल के बटन को जो है प्रेस कर सकते हैं ताकि मेरे सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और मिलेंगे नहीं वीडियो के अंदर, देसी माहौल के अंदर। अल्लाह हाफिज़।